हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ट्वेल्थ के अकाउंटेंसी क्लास हम कंटिन्यू करते हैं। पिछले वीडियो में जैसे आपने देखा था, पास्ट एडजस्टमेंट, उसमें क्या करते हैं, अगर हम जो अकाउंट्स क्लोज करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, इस साल का हम जब क्लोज करते हैं, अगर बाद में हमें रियलाइज हो कि हम कुछ एंट्री करना भूल गए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए, या फिर उस पर हम जो रेशियो प्रॉफिट एंड शेयरिंग रेशियो है उसे हमने गलत रेशियो में शेयर कर दिया, तो अगर हम ये गलती हो जाती है हमसे तो हम फिर उसे कैसे एडजस्टमेंट करेंगे वो देखते हैं। जैसे हमने ये क्वेश्चन जो था पिछले वीडियो में अधूरा छोड़ दिया था, तो इस वीडियो में हम इसे फिर से शुरू करते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। आर एंड एस एंड टी आर द पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2:1, यानी कि जो प्रॉफिट एंड लॉस होगा उसे इस रेशियो में शेयर करेंगे। ऑन March 31, 2017 देयर कैपिटल अकाउंट्स शो बैलेंस ऑफ, यानी कि जो कैपिटल होगा उसका बैलेंस जो होगा वो इतना लेके आया है, आर 1,15,000, एस का 70,000 और टी का 42,000। आफ्टर मेकिंग ऑल द नेसेसरी एडजस्टमेंट इन कनेक्शन विद ड्रॉइंग्स एंड नेट प्रॉफिट, यानी कि सारे एडजस्टमेंट होने के बाद, आफ्टर क्लोजिंग द बुक्स ऑफ अकाउंट इट वॉज फाउंड दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड ड्रॉइंग्स एट 10% वर नॉट प्रोवाइडेड। यानी कि जैसे मैंने बोला, इसमें क्या होगा, अकाउंट्स जो है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो है क्लोज कर लिए, एंड कर दिए, उसके बाद हमें रियलाइज़ हुआ कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और ड्राइंग्स जो है 10% पे प्रोवाइड करनी थी, जो हम भूल गए, नहीं की। द ड्राइंग्स ऑफ द पार्टनर वर 15,000, 10,000 एंड टी का 8,000 एंड द इंटरेस्ट देर ऑन अमाउंटेड टू रुपीज़, यानी कि जो इंटरेस्ट था वो ड्राइंग्स का 1,600 और 4,000 था। द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर, यानी कि जो नेट प्रॉफिट है बिफोर कंसिडरिंग अबव इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने से पहले जो प्रॉफिट था 60,000 था। मेक नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्रीज। इसमें क्या है, पहले तो हमें जो कैपिटल दिया गया है वो क्या है, क्लोजिंग कैपिटल है, यानी कि ईयर एंडिंग का कैपिटल है, इसीलिए हमें पहले इसको क्या करना होगा, ओपनिंग कैपिटल फाइंड आउट करना होगा। तो हम क्या करेंगे, पहले तो क्लोजिंग कैपिटल जो है, क्लोजिंग कैपिटल वो लेंगे आर का, एस और टी का, ठीक है। क्लोजिंग कैपिटल कितने का है, आर 1,15,000, एस का 70,000 और टी का 42,000, ठीक है। ये हो गया क्लोजिंग कैपिटल। इसके बाद हम ऐड क्या करेंगे, ड्राइंग्स को ऐड करेंगे। ड्राइंग्स हम कितने में देंगे, इंटरेस्ट से पहले जो ड्राइंग्स है वो लिखेंगे 15,000, 10,000 और 8,000। इसके बाद हम इन दोनों को टोटल कर लेंगे, ऐड करेंगे, ऐड करेंगे, टोटल आएगा 1,30,000 और इसका आएगा 18,000 और टी का आएगा 50,000, ठीक है। उसके बाद हम माइनस करेंगे नेट प्रॉफिट, यानी कि ये जो प्रॉफिट है इसे इस रेशियो में शेयर करेंगे, कितने में शेयर करेंगे, 30,000 आएगा इसका 20 और टी का आएगा 10,000, ठीक है। ये जो प्रॉफिट है 60,000 उसे हम इस रेशियो में शेयर कर देंगे। उसके बाद हम इसको टोटल करेंगे, इन दोनों को टोटल करेंगे,
आएगा 1 लाख, यानी कि ये जो टोटल है इसे हम नेट प्रॉफिट से माइनस करेंगे तो आएगा 1,60,000 और 40,000, ये हो गया इसका टोटल। इसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये जो है ओपनिंग कैपिटल, यानी कि हमें ओपनिंग कैपिटल मिल गया है, इसके ऊपर हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या हो, कितने का होगा, 1 लाख, उस पर ये जो रेशियो है हम उस पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, 1 लाख इंटू 3/6 करेंगे 10,000, 6,000 और 4,000, सॉरी हम इस रेशियो पे नहीं देंगे, ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% दिया गया है उस पर हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करेंगे ओपनिंग कैपिटल पे। तो ये हो गया, ओपनिंग कैपिटल भी आ गया और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है हमें मिल गया है। तो अब हम जर्नल एंट्रीज बनाएंगे, पहले हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है भूल गए थे, तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। तो इसकी एंट्री होगी 31 मार्च, डेट लिखेंगे, आपको फॉर्मेट तो पता ही है, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू आर्स कैपिटल टू एस कैपिटल टू टीस कैपिटल, इन्हों को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितने का दिया था, आर को 10,000 क्रेडिट करेंगे, एस को 6,000 और 4,000, तो इन सब का टोटल करेंगे होगा 20,000 जो हम प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। उसके बाद नरेशन आप लिख देना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉट प्रोवाइडेड और या फिर नॉट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, इसकी एंट्री है आर्स कैपिटल डेबिट एस कैपिटल फिर से डेबिट और टी कैपिटल भी डेबिट करेंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, ठीक है, ये हो गया। अब इंटरेस्ट जो था, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो था कितने का था, इंटरेस्ट देयर ऑन अमाउंटेड, यानी कि ड्राइंग्स ऑफ द पार्टनर वर, इतना ड्राइंग्स था उस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करके डायरेक्ट अमाउंट दिया है 1,600 और 400, 1,600 और 400, इन सब का टोटल करके हम यहाँ पे लिखेंगे 2,000, ठीक है। और यहाँ पे आप नरेशन लिखना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स प्रोवाइडेड। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बनाएंगे। तो यहाँ पे शुरू करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। पर्टिकुलर्स अमाउंट इस तरफ होगा क्रेडिट, इस तरफ होगा डेबिट। पहले हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो था वो लिखते हैं, जो एडजस्टमेंट हमने की थी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आर एस और टी।
10,000, आर का 6,000 और 4,000 हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया था। इन सब का टोटल हम यहाँ पे लिखेंगे 20,000, जो हमने जर्नल एंट्री में लिखा था। उसके बाद बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, आर एस और टी, कितना इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स था, 1,600 और 400, टोटल था 2,000। ठीक है, ये हमने प्रोवाइड कर दिया। उसके बाद डेबिट साइड अमाउंट ज़्यादा है, यानी कि यहाँ पे क्रेडिट साइड बैलेंस आ रहा है, तो ये क्या होगा, प्रॉफिट कंपनी के लिए, लॉसेस हो रहा है, सॉरी लॉस हो रहा है, तो हम बाय पार्टनर्स कैपिटल में लॉस, आर एस और टी, लॉस कितने का हो रहा है, 18,000 का लॉस हो रहा है, तो 18,000 को हम क्या करेंगे, 3:2:1 रेशियो में प्रोवाइड करेंगे। 18,000 का लॉस 3/6, 9,000, 6,000 होगा और ये होगा 3,000, 18,000 का लॉस। टोटल लिख देंगे 20,000, 20,000। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, आर का एस और टी, आर एस और टी। ठीक है, पहले हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन, पहले तो बैलेंस लिखेंगे, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, यानी कि पिछले साल का जो कैपिटल था वो लिखेंगे। कैपिटल कितने का था, क्लोजिंग कैपिटल 1,15,000, 7,000 और 42,000, वो हम लिखेंगे 1,15,000, 70,000 और 42,000, यानी कि क्लोजिंग कैपिटल हमने लिख लिया। उसके बाद हम प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हैं, वो लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टेन थाउजेंड, 6,000 और 4,000। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 1,600 और 400। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद हमें जो पार्टनर्स कैपिटल में लॉस हुआ था वो लिखेंगे, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लॉस 9,000, 6,000 एंड 3,000। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद हम टोटल करेंगे, बैलेंस आ रहा है डेबिट साइड, टू बैलेंस कैरी डाउन, पहले तो हम टोटल लिख लेंगे कितना आ रहा है, टोटल होगा 1,25,000, 76,000, 46,000। इस साइड भी हम सेम लिखेंगे, 76 और 46,000। उसके बाद बैलेंस अमाउंट जो हो है वो लिखेंगे 1,15,000, 69,400 और 42,600। ठीक है, ये हो गया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। हम अब देखेंगे जो लॉस था 18,000 का, उसे हम कैसे कैसे हम उसे प्रोवाइड करेंगे, फाइनल में हम कैसे एडजस्टमेंट करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और ड्राइंग्स जो पहले नहीं दिया गया था। तो इसीलिए हम पहले बनाएंगे एनालिसिस टेबल, यानी कि
कैसे एडजस्टमेंट करना है वो हम पहले एनालिसिस करेंगे, पर्टिकुलर्स आर एस टी और फर्म, यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म पे कैसे इफेक्ट करेगा और पार्टनर्स पे कैसे इफेक्ट करता है। यहाँ पे हम डेबिट क्रेडिट, फिर एस का डेबिट और क्रेडिट, टी का डेबिट और क्रेडिट, फिर फर्म का डेबिट और क्रेडिट, ठीक है। ऐसे हम एनालिसिस टेबल बनाएंगे। पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देखते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है आर को, जैसे हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बनाते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम कहाँ क्रेडिट साइड लिखते हैं, तो हम क्रेडिट अमाउंट लिखेंगे 10,000, उसके बाद एस का 6,000 क्रेडिट और टी का क्रेडिट 4,000, ठीक है। ये सब लिख लिया हम पार्टनर्स के अकॉर्डिंग, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो उसको मिल रहा है वो होगा। और उसके बाद हम फर्म के अकॉर्डिंग क्या बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट साइड है, इसीलिए हम डेबिट में इन सब का टोटल अमाउंट लिखेंगे 20,000। ये हो गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स क्या है पार्टनर्स के लिए, डेबिट यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स के अकॉर्डिंग उनसे जा रहा है, इसीलिए डेबिट साइड लिखेंगे 1,000, डेबिट साइड 600 और 400। ये हो गया इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। और फर्म के अकॉर्डिंग ये होगा क्रेडिट साइड इनका टोटल 2,000 रुपीस, ठीक है। अब सिर्फ फर्म का हम टोटल करेंगे 20,000 एंड 2,000। उसके बाद जो लॉस हुआ था, जो लॉस हुआ है पार्टनर्स को वो लिखेंगे, लॉस ऑफ 18,000 डेबिटेड टू पार्टनर्स इन रेशियो 3:2:1। ये जो लॉस हुआ था उसे हम रेशियो में 3:2:1 में शेयर किया था, वही हम डेबिट करेंगे पार्टनर्स को 9,000 डेबिट, 6,000 और 3,000, और यहाँ पे हम क्रेडिट में लिखेंगे 18,000, ठीक है। ये हो गया लॉस। उसके बाद हम सब कुछ टोटल करेंगे, पूरा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, कैपिटल और लॉस, तो इसका टोटल होगा 10,000। उसके बाद 10,000 ये सेम हो गया। उसके बाद यहाँ पे आएगा 6,600 और ये होगा 6,000, 3,400, 4,000, ये होगा 20,000 और ये भी होगा 20,000। यानी कि ये दोनों सेम है, डेबिट और क्रेडिट जितना आ रहा है उतना ही जा रहा है, और एस का जो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लॉसेस मिला के 600 रुपीस बैलेंस, 600 रुपीस डेबिट है, फाइनल एडजस्टमेंट है ये, ठीक है। ये है फाइनल एडजस्टमेंट और यहाँ पे भी आ रहा है 600 का बैलेंस। इन दोनों को हम माइनस करेंगे, 40,000 माइनस 3,400, तो 600 बैलेंस आएगा, तो बैलेंस हम ये क्रेडिट करेंगे और ये डेबिट करेंगे, बाकी सब टोटल है सेम है। तो यहाँ पे जो एडजस्टमेंट था 600 बैलेंस आ रहा है,
इसकी एडजस्टमेंट हम कैसे करेंगे? जर्नल एंट्रीज में पहले तो इसकी एंट्री करेंगे एस कैपिटल अकाउंट टू टी कैपिटल, यानी कि पहले एस का बैलेंस लिखा जो डेबिट किया था और टी का बैलेंस जो क्रेडिट किया था वो लिखा है 600 और 600। अब इसे हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कैसे लिखेंगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हम अलग से एक और बनाते हैं। ये हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आर एस और टी, आर एस और टी। तो पहले तो टी का कैपिटल लिखते हैं, टू टी कैपिटल अकाउंट, एस में 600, यानी कि डेबिट साइड हम जो लिखेंगे एस का कैपिटल लिखेंगे 600, लेकिन हम यहाँ पे लिखेंगे टीस कैपिटल। और उसके बाद पहले तो बाय बैलेंस लिखेंगे, वन लैख 15,000 जो क्लोजिंग कैपिटल था वो लिखेंगे 7,000 और 42,000। उसके बाद हम लिखेंगे बाय एस कैपिटल जो हमने क्रेडिट किया था 600, उसके बाद हम इसे टोटल करेंगे दोनों साइड, 1,15,000, 7,000 और 42,600। दोनों साइड सेम टोटल लिखेंगे 7,000, 42,600। उसके बाद हम बैलेंस जो आ रहा है वो लिखेंगे टू बैलेंस कैरिड डाउन, 1,50,000, 69,400, 42,600। ठीक है, ऐसे हम पास्ट एडजस्टमेंट एंट्रीज करेंगे। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू द पार्टनर, यानी कि गारंटी करेंगे प्रॉफिट की पार्टनर्स को, जो गारंटी देंगे। समटाइम्स अ न्यू पार्टनर मे बी एडमिटेड इन द फर्म विद मिनिमम गारंटीड प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस, यानी कि अब जैसे कि पार्टनरशिप फर्म है उसमें ऑलरेडी दो तीन पार्टनर्स होते हैं, तो अगर वो चाहे तो एक और पार्टनर को एडमिट कर सकते हैं, लेकिन उसके उसको जो प्रॉफिट शेयर करेंगे वो होगा मिनिमम, यानी कि थोड़ा कम होगा। द प्रॉफिट मे बी गारंटीड टू एन एग्जिस्टिंग और एन इनकमिंग पार्टनर, यानी कि द प्रॉफिट मे बी गारंटीड। प्रॉफिट जो गारंटी करेगा वो कौन सा होगा? जो ओल्ड पार्टनर होगा फर्म में, ऑलरेडी जो पार्टनर्स थे वो न्यू पार्टनर्स को गारंटी देंगे कि हम आपको इतना प्रॉफिट देंगे। इसमें कौन कौन सी गारंटीज देते हैं, टाइप्स ऑफ गारंटीज देते हैं? पहला गारंटी होगा गारंटी बाय फर्म, यानी कि या तो गारंटी देगा पार्टनर, दो तीन पार्टनर्स हैं। अब जैसे कि एक एक लेते हैं फर्म, एक फर्म में दो पार्टनर्स हैं, दोनों पार्टनर्स क्या कहेंगे कि हम आप यहाँ पे इस फर्म में आ जाओ एज अ पार्टनर और हम आपको इतना परसेंट
प्रॉफिट जो है आपको देंगे। दोनों प्रॉफिट अग्री करें, पार्टनर्स अग्री करेंगे, दोनों पार्टनर्स अग्री करेंगे तो वो होगा गारंटी बाय फर्म, यानी कि फर्म में सिर्फ दो ही पार्टनर्स थे, दोनों पार्टनर्स जो है बोल रहे हैं कि हम आपको प्रॉफिट देंगे आ जाओ, तो नया पार्टनर आएगा तो गारंटी बाय फर्म होगा, यानी कि फर्म जो है नए पार्टनर को प्रॉफिट देगा। गारंटी बाय पार्टनर्स यानी कि ये गारंटी जो है सिर्फ एक ही पार्टनर देगा कि हाँ भाई एक्स एंड वाई दो पार्टनर्स हैं, उसमें से सिर्फ एक्स बोलेगा कि मैं हाँ ठीक है मैं आपको अपने प्रॉफिट में से पैसे दूंगा, आप एज अ पार्टनर कंपनी में एडमिट हो जाओ, वो अलग से गारंटी देगा। उसके बाद गारंटी बाय पार्टनर टू फर्म, यानी कि पार्टनर फर्म को गारंटी देगा कि हम आपको इतना प्रॉफिट कमा के दिखाएंगे, गारंटी बाय पार्टनर टू फर्म, ठीक है। साइमल्टेनियस गारंटी बाय द पार्टनर टू द फर्म एंड बाय द फर्म टू द पार्टनर, यानी कि जैसे यहाँ पे पार्टनर फर्म को गारंटी देगा वैसे ही फर्म जो है पार्टनर्स को गारंटी देगा कि हम आपको इतना परसेंट प्रॉफिट देंगे। पहले तो हम देखते हैं गारंटी बाय फर्म क्या होता है, यानी कि गारंटी बाय फर्म और बाय ऑल द पार्टनर्स, सारे पार्टनर्स एग्री करेंगे कि हम इतने परसेंट प्रॉफिट देंगे। डिविजिबल प्रॉफिट इज फर्स्टली डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग द पार्टनर्स, यानी कि पहले तो जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो दिया जाएगा वो पहले तो पार्टनर्स को दे देंगे, जो पुराने पार्टनर्स हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पहले तो इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। उसके बाद जो बचेगा डिफिशियंसी, यानी कि जो बचेगा प्रॉफिट में से, वो क्या करेंगे, डिफिशियंसी ऑफ गारंटीड पार्टनर इफ़ एनी इज एडजस्टेड थ्रू कैपिटल अकाउंट ऑफ रिमेनिंग पार्टनर इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, यानी कि उन्हें हम कैपिटल अकाउंट में से, रिमेनिंग पार्टनर को कैपिटल अकाउंट में से पैसे देंगे। व्हेन द गारंटीड पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट इज मोर देन द गारंटीड अमाउंट, हिज एक्चुअल शेयर ऑफ प्रॉफिट इज गिवन टू हिम इंस्टेड ऑफ गारंटीड अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, यानी कि पहले तो गारंटी कर देंगे कि हम आपको इतना प्रॉफिट देंगे, अगर ज़्यादा प्रॉफिट हो गया तो वो क्या करेंगे, उतना ही प्रॉफिट देंगे या कि ज़्यादा प्रॉफिट देंगे। अगर ज़्यादा प्रॉफिट हुआ है कंपनी में, पहले तो जितना प्रॉफिट गारंटी किया था नए पार्टनर को उतना दे देंगे और बाकी का जो बचेगा उसमें पुराने वाले पार्टनर्स जो है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में शेयर करेंगे। द पार्टनर विल गेट हिज गारंटीड अमाउंट ऑफ प्रॉफिट इवन इफ देर इज लॉस, यानी कि एक बार गारंटी कर दी कि आपको नए पार्टनर को गारंटी करेंगे कि आपको इतना प्रॉफिट मिलेगा एक साल का, तो वो चाहे कंपनी में लॉस हो या कुछ भी हो उनको प्रॉफिट देना ही पड़ेगा। इफ़ द डिफिशियंसी शेयरिंग रेशियो इज गिवन देन द डिफिशियंसी ऑफ प्रॉफिट विल बी एडजस्टेड इन द गिवन रेशियो, यानी कि डिफिशियंसी जो होगा उसे एडजस्ट करेंगे रेशियो में जो दिया गया होगा। उसके बाद गारंटी बाय पार्टनर्स, व्हेन वन ऑफ द पार्टनर गारंटी अ मिनिमम प्रॉफिट द एडजस्टमेंट इज मेड थ्रू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यानी कि पार्टनर एक पार्टनर प्रॉमिस करता है कि हाँ गारंटी देता है कि मैं आपको प्रॉफिट जो होगा दूंगा अपने कैपिटल में से ही दे दूंगा, अगर नहीं होगा ज़्यादा प्रॉफिट कंपनी में तो। द फॉलोइंग स्टेप्स आर टू बी फॉलोड, डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट अमॉन्ग द पार्टनर्स आर पर एज पर देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, पहले क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पार्टनर्स को प्रॉफिट एज पर देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इफ़ द शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ द गारंटीड पार्टनर इज लेस देन द मिनिमम गारंटीड प्रॉफिट द डिफरेंस इज डिडक्टेड फ्रॉम द शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ द पार्टनर हु हैज़ गारंटीड एंड इट इज एडेड टू द शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ द गारंटीड पार्टनर्स, यानी कि जो प्रॉफिट है शेयरिंग प्रॉफिट शेयर ऑफ प्रॉफिट जो है गारंटीड पार्टनर्स
को देना है लेस है। अब जैसे कि कंपनी में से नए पार्टनर को देना है 50,000, लेकिन प्रॉफिट जो है कम हुआ है तो उसे हम सिर्फ 40,000 ही देंगे। जो अमाउंट बचेगा वो क्या करेंगे, उसे पहले एक्स, या तो एक्स देगा या फिर वाई देगा। तो एक्स दे रहा है तो वो क्या करेगा, पहले तो लेस करेगा, खुद के कैपिटल में से लेस करेगा और जेड को देगा, और जेड को क्या करेगा, ऐड करेगा। मैं आपको एक प्रॉब्लम दिखाती हूँ सॉल्व करके, ताकि आपको ये गारंटी बाय पार्टनर्स समझ में आ जाएगा इजीली। तो ये है अपना क्वेश्चन, एक्स एंड वाई आर द पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2। यानी कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितने का है, 3:2। उसके बाद दे डिसाइडेड टू एडमिट जेड विथ 1/5, यानी कि नया पार्टनर आ रहा है जेड, ठीक है, उसको विथ 1/5 शेयर इन प्रॉफिट विथ गारंटीड अमाउंट। यानी कि 1/5 जितना भी प्रॉफिट होगा उसमें से नए पार्टनर को कितना, 1/5 प्रॉफिट देंगे, और गारंटीड अमाउंट कितना है, 50,000, ठीक है। पहले तो गारंटी करेंगे कि हम 50,000 आपको देंगे। उसके बाद दे डिसाइडेड दैट द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन एक्स एंड वाई विल नॉट चेंज, यानी कि जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो चेंज नहीं होगा, 3:2 ही रहेगा। द फर्म अर्नड प्रॉफिट ऑफ, उसके बाद प्रॉफिट कितना है, 1,50,000 का, ठीक है। ये हो गया प्रॉफिट कंपनी का फॉर द ईयर 2016 और 17। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट व्हेन, देखिए यहाँ पे दो सिचुएशन गए दिए गए हैं। गारंटी इज प्रोवाइड बाय फर्म, यानी कि गारंटी सिर्फ पार्ट फर्म दे रही है, प्रोवाइड कर रही है फर्म, यानी कि दोनों पार्टनर्स को खुद के प्रॉफिट में से शेयर देना होगा जेड को। और उसके बाद सेकेंड सिचुएशन है, गारंटी इज़ प्रोवाइडेड ओनली बाय एक्स, यानी कि गारंटी जो है 50,000 जो है सिर्फ एक्स ही देगा। तो इस पे हम एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं पहले तो। ठीक है, पहले तो हम इसे एनालाइज करते हैं। पहले टोटल प्रॉफिट कितना है, टोटल प्रॉफिट जो है 1,50,000, ठीक है। उसमें से जेड को कितना देना होगा, शेयर 50,000, यानी कि 1,00,000 में से 50,000 देना होगा। तो रिमेनिंग कितना रह गया, प्रॉफिट वन लैख, यानी कि यहाँ पे इनको 50,000 देना ही होगा, क्योंकि गारंटी दी गई है कि आपको 50,000 हम देंगे हर साल। उसके बाद ये जो 1,00,000 दिया गया है उसे हम क्या करेंगे, एक्स और वाई को रेशियो में देंगे, 3:2 के रेशियो में हम इसको प्रोवाइड करेंगे। तो एक्स का शेयर होगा 1,00,000 3/5, 60,000। वाई का शेयर होगा 2:3, 40,000, ठीक है। ये हो गया एक्स का शेयर, और ये हो गया वाई का प्रॉफिट, और जेड का प्रॉफिट ऑलरेडी 50,000 है। इस पे हम प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं।
आपको रफली अकाउंट बना के दिखा रही हूँ, प्रॉफिट एंड लॉस, अप्रोप्रिएशन अकाउंट। पहले तो जो प्रॉफिट आया है वो लिखेंगे बाय नेट प्रॉफिट 150,000, ये हो गया प्रॉफिट। अब कैपिटल जो है देखते हैं, प्रॉफिट देंगे कैपिटल में से एक्स वाई और जेड, यानी कि ये तो जो प्रॉफिट है फर्म गारंटी कर रही है, यानी कि फर्म जो है गारंटी दे रही है कि हम 50,000 प्रोवाइड करेंगे। पहला केस जो है वो हम देख रहे हैं, इसीलिए एक्स को कितना 60,000 मिल रहा है प्रॉफिट में से, वाई को 40,000 और 50,000 जेड को, कितना हो गया 150,000। ये हो गया गारंटीड बाय फर्म। इसके बाद हम देखेंगे गारंटी इज प्रोवाइडेड ओनली बाय एक्स, यानी कि सिर्फ एक्स ही प्रोवाइड कर रहा है प्रॉफिट, उसके प्रॉफिट में से जेड को 1/5 में। पहले प्रॉफिट बाय नेट प्रॉफिट 150,000, उसके बाद टू कैपिटल एक्स वाई और जेड। एक्स वाई और जेड यानी कि इसमें क्या है, एक्स जो है सिर्फ प्रॉफिट जो है जेड को एक्स ही देगा, वाई कुछ नहीं करेगा। तो इसीलिए एक्स का पहले तो देखते हैं कैसे, पहले तो एक्स प्रोवाइड कर रहा है खुद का जो प्रॉफिट आ रहा है 60,000 उसको जो प्रॉफिट आ रहा है उसमें से 1/5 देगा, आएगा कितना 12,000, ठीक है। अब इसको जो है इसमें ऐड करेगा 60,000 प्लस 12,000 72,000, उसमें से लेस गारंटी, यानी कि एक्स ने जो गारंटी दी थी जेड को कि मैं आपको प्रॉफिट दूंगा, 50,000 का प्रॉफिट देना था, उसमें से 1/5 प्रॉफिट दे रहा है, यानी कि 50,000 में से 1/5, तो आएगा 30,000 माइनस 2,000 जो है लेस है, तो इसीलिए यहाँ पे 20,000 ऐड करेंगे, इसका टोटल आएगा 52,000, ठीक है। एक्स ये देगा और वाई पहले 40,000, इसी की तरह करेंगे 40,000 टू 1/5, 8,000 आया है। अब इन दोनों को ऐड करेंगे, 40,000 प्लस 8,000 48,000, वाई ने कुछ प्रॉमिस नहीं किया था कि मैं आपको प्रॉफिट दूंगा। अब जेड को कितना मिलना था, जेड को 30,000 मिल रहा था, 50 में से उसको सिर्फ 30 मिला है, उसके बाद जो डिफिशियंसी है 20,000 वो ऐड करेंगे जो एक्स यहाँ से हमें दे रहा है, ऐड गारंटी बाय एक्स, तो ये होगा 50,000। होगा टोटल, ऐसे हम गारंटी बाय द पार्टनर्स कैलकुलेट करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे गारंटी बाय पार्टनर टू फर्म कैसे कैलकुलेट करते हैं।